हाँ जी दोस्तों नमस्कार। और सब ठीक ठाक हो? और सब बढ़िया। हाँ जी दोस्तों, आज आपको वीडियो दिखाएंगे हम। प्रेशर टेस्ट करेंगे, रिलीफ वाल कैसा होता है आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। आपने चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और बेल आइकन दबा के आप वीडियो वॉच कीजिए। आप कोई भी चीज़ खोलने के पहले टेंशन नहीं लेने का, अच्छे से वीडियो देख के वो हिसाब से आप करना। लाइफ आपको दिखाएंगे सारा, कैसे प्रेशर टेस्ट करेंगे हम लोग इसको, और उसी हिसाब से करना आप। तो बाकी अपना भी देख लेना अपने हिसाब से, आगे पीछे जो भी होगा। ये देखो, ये आ गया हमारा रिलीफ वाल खोला है। ये पहले हमने ऊपर लॉक था निकाला, उसका नट है, वॉशर है, उसका एडजस्टिंग स्क्रू है और स्प्रिंग है और सीट और स्पिंडल साथ में बॉडी है। ये आगे वॉशर टाइट करने के लिए, टेफ्लॉन लगा के टाइट कर लेने का इसको। सबसे पहले आपको देखना है, जब इसको खोलोगे इसके अंदर देखो सीट दिख रही है, सीट देखनी है। मेन सीट अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको इधर साइड में ओरिंग है इसमें, और किसी किसी में ओरिंग नहीं रहता, सीट ही रहती है इधर भी। और इधर ओरिंग है तो हमको, हमारा ये ख़राब हो गया था ओरिंग, तो हमने इसको अलेंगी से खोल के, या अलेंगी से खुल जाता है, लेंगी से खोल के हमने और इसका ओरिंग चेंज कर दिया। तो ये अभी सही है ओरिंग, हम लोग नया ओरिंग डाल दिया था। अभी आपको वर्कशॉप करके दिखाएंगे, तो प्रेशर टेस्ट करके भी दिखाएंगे। आप वीडियो के साथ बने रहो। ऑयल लगा के आप अच्छे से इसके अंदर, इसको पहले स्पिंडल डाल दो और स्प्रिंग को भी ऑयल लगा लो। रस्ट वस्ट नहीं आता है, स्प्रिंग ऑयल लगा के, ये एडजस्टिंग नट है उसका, इससे प्रेशर एडजस्ट कर सकते हो आप। एक बार से लेके हमारा ये वाल है 31.5 का, इसका प्रेशर सेट करेंगे। 31.5 में हम बार पे इसका प्रेशर टेस्ट करेंगे आपके सामने। अभी इसको अंदर हम पहले थोड़ा टाइट कर देंगे और ये हो गया अभी अपना रेडी। इसको अभी टैपलोन आगे लपेट के बाकी का सामान बाद में लगाएंगे। टैपलोन लगा के और प्रेशर टेस्टिंग पंप है हम लोग के पास, वाटर का, वाटर वाला हम लोग इसमें लगा दिया है। इसको लगा के हम टाइट कर देंगे, इसको ऐसे टाइट कर लेंगे। हम लोग का गेज है 160 bar का। ये देखो अभी हम लोग जितना टाइट किया था तो 12 bar पे ही ये खुल रहा है। अभी इसको हम और टाइट करेंगे, देखो आपके सामने इसको हम टाइट करते जाएंगे इधर प्रेशर बढ़ते जाएगा। अभी हम इसको 31.5 पे, 32 पे हम लोग सेट कर देंगे इसको। आप ध्यान से देखो, नहीं तो बाद में कुछ गलती होगा, फिर हमको बोलोगे अरे उनका वीडियो देखा था और गलती हो गया। गलती कुछ नहीं होगा। आप कभी भी कोई भी काम करने के पहले आपको हौसला चाहिए कि हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपको देखो सेट है, सही है। ये जो नट है इससे क्या है कि इसके पीछे अपन टाइट कर देंगे तो इसके पीछे एक नट लग जाएगा। जब इसको अभी देखो वाशर डाल के ये हमने नट को टाइट कर देंगे। नट टाइट हो जाएगा, ये एंटी क्लॉक टाइट हो रहा है, देखो नट, और वो अपन ने क्लॉक वाइज टाइट किया था। ये एंटी क्लॉक है, वो क्लॉक वाइज है। भी उसका नट का क्या मतलब है कि जब भी अपन एंटी क्लॉक खोलेंगे तो प्रेशर, जैसे 30 bar प्रेशर है तो ऑटोमेटिक इधर से रिलीफ अपन कर सकते हैं। और वो जगह पे तो जब प्रेशर आएगा तब तो होना ही है, क्योंकि अंदर स्प्रिंग है, तब तो हो जाएगा। और अपने को समझ लो
25 बार पे है और अपने को रिलीज़ करना है इसको, कोई चीज़ को, तो इसको अपन एंटी क्लॉक खोल देंगे। अभी देखना आपके सामने हम खोल के भी दिखाएंगे। 30 बार पे प्रेशर रख के हम अभी, वो तो हमने कंपनी का सील था वो तो हमने तोड़ दिया है तो नहीं लगा पाएंगे। कोई नहीं, वो सील की नहीं प्रॉब्लम अभी, तो इसको आप इससे अच्छे से टाइट कर लो प्लेयर से। ये देखो हमने 32 पे अच्छा सेट हो गया है। 32 पे आपके सामने रिलीफ हो रहा है, उधर से पानी निकल रहा है पूरा। और देखो हम ये जो है 30 बार पे है, अभी इसको हम नट को एंटी क्लॉक घुमाएंगे। ये देखो प्रेशर रिलीज हो गया। ये दो काम करेगा, मतलब एक आपका ऑटोमेटिक भी प्रेशर रिलीज़ कर देगा और आप भी कर सकते हो। ओके दोस्तों भाई, आप समझ गए होगे। अपना वीडियो अच्छे से देखो और सब्सक्राइब करो चैनल। ओके भाई दोस्तों।